लंढौरा में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हरिद्वार के एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने कहा कि अभियुक्त उज्जवल और आदेश नगला इमरती में किराए के मकान में रहते थे। आरोपियों द्वारा मृतक साकिब के साथ मिलकर रुड़की सिविल लाइन स्थित एसबीआई बैंक को लूटने की योजना बनाई गई थी। एसएसपी ने कहा कि आरोपियों को 25 नवंबर को बिझौली बाईपास पर नेत्रपाल की ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे गन्ने से साइड लगाकर अभियुक्तों द्वारा नेत्रपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस संबंध में मृतक नेत्रपाल के पुत्र ने मुकदमा दर्ज कराया था। ये 8 तारीख को साकिब लंढौरा चौकी क्षेत्र में रहने वाला था। इसकी गुमशुदगी वहाँ दर्ज की गई थी। उसके बाद कल इसकी डेड बॉडी जब मिली थी, पुलिस के द्वारा उसमें हर एंगल से कोशिश की गई और जल्दी ही जो संदिग्ध थे उनसे को जब हम लोगों ने राउंड अप किया, उनसे पूछताछ करी, तो दो लोग इसमें जो उसके साथ उस समय थे, उज्जवल और आदेश, इन दोनों को जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना को करना बताया। इसके पीछे कारण ये भी था कि ये तीनों लोग एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एक योजना बना रहे थे। उसमें जो मृतक है वो उस घटना को करने से पीछे हट रहा था, तो कोई ये राज ना खुल जाए इसको लेके ये परेशान थे और इसी को लेकर इन लोगों के द्वारा ये हत्या इसकी करी गई थी। इससे पूर्व भी इनके द्वारा 26/11 को एक नेत्रपाल नाम के व्यक्ति की एक हत्या हुई थी, उसको भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार दो घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें दो अभियुक्तों को पकड़ के जेल भेजा है।